सौभाग्य से आज वो हमें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। तो हमने उनसे आशीर्वाद मांगा है, उनका सम्मान करके, और आशीर्वाद मांगा है भविष्य के चुनाव में। जहाँ तक आगामी चुनाव का सवाल है, इस दौर में पन्ना प्रमुख तक क्या काम करना, इसकी चर्चा हम लोग बंद कमरे की मीटिंग में कर रहे हैं। और इस चर्चा के माध्यम से पन्ने का कार्यकर्ता अगले 3 दिन में अपने को तैयार कर लेगा। मैं अपना उदाहरण दे दूं, मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा उत्तर प्रदेश, उसमें विधानसभा मेरठ के बूथ नंबर 292 के 5वें पन्ने का प्रमुख मैं भी, और 60 वोट 16 मकान उस पन्ने पर हैं। उनके नंबर मेरे पास हैं फैमिली हेड के, और 10 दिन में एक बार उन लोगों से फोन पर बात करके उनको चुस्त दुरुस्त रखता हूँ, उनका हाल चाल ले लेता हूँ। कोई कठिनाई तो नहीं, पन्ना प्रमुख का इतना ही काम है कि वो उसकी लोकसभा, उसकी विधानसभा, उसका सारा चुनाव क्षेत्र, वो 60 वोटर और 15 मकान है, इसके अलावा उसे कहीं नहीं है। और बूथ जीता तो चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जिन सिद्धांतों पर भाजपा चुनाव में खुल रही है। तक काम पन्ना प्रमुख तक काम उतर जाए, उसमें कोई कठिनाई हो तो पता लग जाए, कठिनाई नहीं हो तो उतार। मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, आप लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं, प्रभारी है ना पूरा स्टेट के आप? हाँ। तो मेरा वो क्वेश्चन है कि आपने जमशेदपुर लोकसभा या सिंहभूम में क्या मैंने कुछ कमी पाए, उसको दुरुस्त करने का कुछ निर्देश दिए? नहीं नहीं, देखिए ये हमारी पूर्व की जीती हुई लोकसभा है, और सामान्यतः जो लोकसभा में सांसद वर्तमान में रहता है वो चुनाव की दृष्टि से सामान्य व्यवस्थाओं को बनाकर रखता है। ऐसी कोई खास कमी जमशेदपुर में नहीं पाई गई है। इतने बड़े अभियान में छोटी मोटी बातें होती है, संज्ञान में आ गई है तो उनका इंतजाम करेंगे। झारखंड का सुई के नोक के हजारवें से बराबर भी मुझको संदेह नहीं है कि पार्टी 14 की 14 लोकसभा सीटों पर झारखंड में यश की भागी होने जा रही है, कोई संदेह। और उसका कारण करिश्माई नेतृत्व नरेंद्र मोदी और बूथ पर उस कार्यकर्ता की ताकत, जो बूथ पर हार पर रोता है उस कार्यकर्ता की ताकत हमारा संबंध है। धनबाद पता नहीं क्यों, सच बताऊं मैं आपको, जब मैं धनबाद पहुंचा था तो जो एक वातावरण बना हुआ था उसको दिमाग में लेकर गया, लेकिन उसका तो 10% भी मुझको मान, और मैं सबसे मिलकर आया हूँ, रात में 12:30-1 बजे तक लोगों से बात की, कहीं कुछ नहीं है। धनबाद भी हर हालत में हम जीत रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रत्याशी बदलने की मांग नॉट एट ऑल, कोई सवाल नहीं। लोगों के लोग डर से सामने नहीं आते उनके खिलाफ बोलने के, मेरा इतना ही निवेदन है कि ये बातें प्रचारित हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कतई, यार उसका अर्थ मत निकालना कि मीडिया प्रचारित कर रहा, कुछ राजनीतिक ताकतें इसको प्रचारित कर रही हैं, लेकिन वो राजनीतिक ताकत अंततो गत्ता मुंह की खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा 400 पार में ढुल्लू महतो का भी सिर गिना। वहाँ पब्लिक ही पब्लिक विरोध कर रहा उसका। मैंने कहा ना राजनीतिक ताकत, तो ये तो ऑडियो वीडियो वायरल होना, अरे भाई चुनाव में जिसे खड़ा होना हो ये मान के खड़े हो कि तेरी कुंडली जरूर खंगाली जाएगी, जो कुछ तेरे छुपे अनछुपे तथ्य होंगे वो जनता के सामने आ जाएंगे। क्यों चिंता करनी है, ये चुनाव अभियान में चलने की एक परंपरा है, चलने दीजिए। आम कार्यकर्ता और आम जनता में कोई वो नहीं है, एक वर्ग विशेष के कुछ लोग ये अगर करना चाह रहे होंगे तो आज नहीं तो कल वो विशांत होंगे, उनको मनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक अलग चाल चरित्र की पार्टी रही है, ना तो पार्टी कमजोर है
ना राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार जिस जैसे कार्यकर्ता को है, जिस भी परिस्थिति में निर्णय लिया है अनुशासन से पार्टी के कोई बाहर नहीं जा सकता। इसलिए आप देख रहे हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवान संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हो रहा है, चिंता मत करिए सर। मगर पलामू में तो आपका जो मामला है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया है। कौन कह रहा है? घरवा से 17 मंडल अध्यक्ष प्रभारी बैठा हूँ, सुनिए, उत्तर प्रदेश राज्य का अध्यक्ष रहा हूँ, 80 में से 73 सांसद जिताने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ, 19 साल मैंने उत्तर प्रदेश में विधायकी की है, 62% मुस्लिम समाज में से मैंने 8 चुनाव लड़े हैं और मंत्री रहा हूँ। अगर कोई चीज देखिए हमारा एक सिस्टम है, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कोई बात चली जाती तो अब तक मुझ पर आ गई, अब उससे पूछा जाता कि वाजपेयी जी इसमें क्या है। 17 मंडल अध्यक्ष लेटर लिख के दिए डायरेक्ट नंदा जी को, नड्डा जी को, सॉरी, उन्होंने पलामू कैंडिडेट के अगेंस्ट में ही लिखे हैं। अंततोगत्वा फिर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहूंगा कि हमारा पलामू का प्रत्याशी भी जीत के जा रहा और कार्यकर्ता के बूथ भी जीत के जा रहा है, तो उसमें से आप अर्थ का अनर्थ मत करिए। एक सामान्य बात मैं कह रहा हूँ, परिवार में कहा जाता है कि परिवार में अगर बेटे जूता पर पिता कर बेटे का जूता बराबर आ जाए तो बेटे को सम्मान देना चाहिए, कहा जाता है, कहावत है, तो उसी तरह से जब कार्यकर्ता बराबर का कार्य करता है तो मैं उसका सम्मान करूं, उसे बेटे की तरह मानूं, उसकी ठोड़ी में हाथ डालूं, उसकी पीठ पर हाथ रखूं, देखो कैसा अभियान चलाएगा वो। मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष रहा हूँ, कार्यकर्ता नहीं जिताया और अखिलेश की सरकार थी, 80 में से 73 मिले, इसलिए मेरा निवेदन है ये कार्यकर्ता भगवान है, हमारा माई बाप है, इसके आधार पर जब हम काम को चलाएंगे हमारा कोई ताकत उनको नहीं हरा सकते। सर झारखंड में बीजेपी के इश्यूज क्या है? बीजेपी के इश्यूज आज क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, भारत की पार्लियामेंट का चुनाव है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल के किए गए काम, आदरणीय मोदी जी द्वारा कैबिनेट की अंतिम बैठक 8 घंटे चलाकर भविष्य का एजेंडा जो तैयार किया गया है, अगले 100 दिन में क्या काम करना, उन्होंने रिजर्व बैंक के अधिकारियों को भी कह दिया मुंबई में कि मैं 100 दिन बिजी रहूंगा, तुम तय कर लो जो कुछ करना है, और शपथ लेते अगले दिन से झमाझम काम करूंगा, ये शब्द इस्तेमाल किया है। हम एक आधार और एक झारखंड की भ्रष्टाचारी अनाचारी कदाचारी सरकार की विफलता, कल्पना सोरेन भी घूम घूम के कई आरोप लगा रही है तो उसका असर पड़ेगा चुनाव सब जगह क्या लगा रही है? कि हम लोग को एक साजिश के तहत मेरे पति को जेल भेज दिया गया है। मैं एक बात पूछूंगा, वो मेरी छोटी बहन है, मात्र शक्ति है, मैं राजनीति के आधार पर किसी को या जाति के आधार पर बहन बहन रहेगी, मैंने अभी मैं कानन बहन जी बताइए आप क्या, इसलिए मेरा निवेदन हाथ जोड़ के ये है, वो कुछ कहती रहे, एक बात आप सबके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं पब्लिक डोमेन में कि क्या ईडी और सीबीआई किसी को लेकर कोर्ट में गई, उस व्यक्ति के भी वकील खड़े होते हैं वहां पर, एक केस बताइए जिसको ईडी और सीबीआई लेकर कोर्ट में गई हो और उन्होंने कोर्ट से खड़े खड़े उसको बरी करके उसको घर भेजा, या तो जुडिशियल रिमांड में दिया या ईडी की कस्टडी में दिया और उसके बाद फाइनली उसको जेल भेजा है। तो न्याय प्रक्रिया पर भारत के भी संदेह मत करो, न्याय प्रक्रिया के तहत वो जो गया है तो प्रथम दृष्टया वो दोषी है। और एक अगला वाक्य कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता पूर्वक,